न्यूज, मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर रीवा जिले से है, जहां डीओ ऑफिस के बाबू ब्रिजेश कुमार पटेल ने अपने गृह ग्राम ब्योहरा रायपुर करचुलियान में फांसी लगा ली। आपको बता दें कि मृतका राखी के त्योहार और खेती के काम से गांव गए हुए थे, जहां उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया है। मृतक के आत्मघाती कदम के पीछे क्या कारण है, यह तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। परंतु मृतक के बेटे ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि घर और ऑफिस के कार्यों से काफी परेशान रहते थे, काम का काफी दबाव था, जिसकी वजह से मृतक काफी परेशान रहते थे। आइए आपको सुनाते हैं मृतक के पुत्र ने क्या कहा है। हाँ, कब आ रहे? थोड़ा कुछ हो गया? जब आप काउंटर तक पहुंच चुके तो उससे बोल ले, बात कर ले। मेरा नाम शुभम पटेल है। ये हमारे पिताजी हैं, जिनका नाम ब्रिजेंद्र कुमार पटेल है। डीओ ऑफिस में ये बाबू थे, और ये पिछले मतलब हर हमेशा ये वीक में शनिवार को गांव जाया करते थे और खेती कराते थे। वहाँ कोई नहीं देखभाल करने वाला था, एक आध कुछ खेत अधिया वगैरह हम दिए रहते थे, वहाँ की अपनेस कराते थे जो घर के आसपास वाले थे। देन वो मतलब कई बार भी पहले भी जिक्र किया करते थे, जब डीओ ऑफिस में से आए हैं तो मतलब 3-4 साल हो गए, यहाँ बहुत काम कराते हैं, ये वो ऐसा वैसा, हम अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे, ऐसा वो जिक्र करते थे। हाँ, मतलब कहते बहुत इधर उधर ये वो बोलते थे कि फाइलें दे दो। तो अब जो बेचारा हमारे पास उम्मीद लेकर आता था, उसकी फाइलें 1-2 साल, अभी रिसेंट का केस ही है, किसी की मतलब हमारे मित्र हैं, वो हमको नहीं पता थे, तो हमको दूसरे से पता चले कि हमारे पापा को फाइल देते हैं। अपने पापा जी को फ़ोन लगाए तो वो बोले कि हाँ फाइल दे दिए हैं, 8 महीने से दी हुई है फाइल, लेकिन सरकारी काम है, वैसे चलता है घिसता पिसता, तो कोई अच्छे से काम नहीं होता यहाँ। तो और फिर जब अभी लास्ट टाइम जब उनसे बात भी, बोले फ़ोन क्यों बंद किए हैं, बोले कि अरे ऐसे ही बैटरी नहीं है। फिर दूसरे दिन जब फिर से बात हुई तो बोले कि अरे परेशान कर डालते हैं फ़ोन कर करके, मतलब जिनका कोई भी काम आता है सब फ़ोन में बोलते हैं भाई हमारा काम हुआ, कोई बोलता नहीं हुआ। एक आध जन घर भी आए थे, कोई कुछ उनका फाइल का काम था संडे को। नैतिक दबाव था कि कार्यालयीन दबाव था? अब ये किसी को नहीं कह सकते हम, बाकी अब देखिए यहाँ तो प्रेशर रहता है जब काम करता है इंसान। वो घर आते थे तो उनके पास मतलब 12-12 बजे तक भी फ़ोन आते थे कि सर हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसे ही मतलब कि 10-11 बजे जब तक उनको करते, फिर सुबह 5 बजे से फ़ोन आना स्टार्ट। इवन व्हाट्सएप में भी मैसेज बहुत पड़े हैं। घटना गांव में थे तो कल इनसे बात हुई थी पिताजी से कि मतलब मम्मी जी ने पूछा कि आएंगे नहीं रीवा, ऑफिस जाना है कि नहीं, तो मम्मी बताई कि हाँ, मतलब पापा बोले कि हाँ आएंगे रीवा, शाम तक आते, थोड़ा सा मोटर बनवा रहे हैं। फिर हो गया, शाम को आए ही नहीं, फ़ोन फिर बंद कर लिए थे। और उसके बाद फिर हमको 7 बजे के आसपास गाँव से फ़ोन आया, मतलब मेरे ही पापा के फ़ोन से फ़ोन लगाया गया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो फिर हम लोग वहाँ गए। अकेले थे गांव में? हाँ, मतलब बड़ा सा घर है तो इधर साइड रहते थे ये, उधर साइड चाचा लोग रहते थे। जहाँ पे थे वहाँ पे अकेले रहते थे। तो ये यहाँ पे पूरे रीवा में रह रही है? हाँ, मतलब हम मतलब पर्सनली देखा जाए सबका हिस्सा बटा हुआ है, और पापा वहाँ अकेले जाते थे हर वीक में, यहाँ दीदी स्टडी करती हैं, मम्मी घर देखती हैं, और मैं भी काम करता हूँ। त्यौहार में गए हुए थे? हाँ, मतलब कह सकते हैं जाते थे। और राखी का त्यौहार तो मंडे को था, तो वहाँ रुके थे, उसके लिए भी रुके थे। उन्होंने शायद एप्लीकेशन भी दिया था ऐसा कुछ कि मेरी आँख आ गई, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता। छुट्टी नहीं मिल रही? नहीं, छुट्टी के लिए दिया था, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर ऐसा एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, हमको पता चली है। कुल मिला के कार्यालय का दबाव ज़्यादा था? मैं प्रेशर नहीं डाल सकता ना कि अब मैं ये कहूँ कि ना कहूँ, बट कह सकते तरह से था भी, क्योंकि भाई जैसे घर का भी काम रहता है, वहाँ भी देखना रहता है, हम लोग भी चीज़ ज़रूरतें देखनी होती है, यहाँ का काम अलग से ही रहता है, तो किसको एक बार नहीं कह सकते, पर कह सकते हैं एक तरह से कि हाँ प्रेशर था भी नहीं भी, क्योंकि जब हमारे पास तो ये सबूत तो है ही कि हाँ किसी की अगर 8 महीने से फाइल पड़ी है तो बहुत बड़ी बात होती है कि 1 महीने डिले चलता है, 2 महीने डिले चलता है, लेकिन 8-8 महीने डिले चलना आम बात नहीं होती है कि
सर के केबिन में रखी हुई है फाइल, क्यों नहीं बढ़ रही आगे, तो कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग भी आए जैसे बताया कि वो भी बोलते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हम पिताजी हों तो उनसे बात हमारी करवा दीजिए, हमारी फाइल उनसे दिलवा दीजिए, फिर जहाँ होंगे हम उनको वापस पहुँचा देंगे, ऐसा वो सब हुआ। ब्रिजेंद्र कुमार पटेल जी पिताजी का।